हेलो दोस्तों, राज मेसन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलिंग के पास छज्जे पर टैल लगाने का तरीका। इन्हें दोस्तों खपरेल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह रोडी डस्ट का प्लास्टर कर लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों और टाइल्स लगानी शुरू करें, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों टाइल्स पर मसाला सही तरीके से लगाए। दोस्तों, मसाला टाइल्स पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों टाइल्स पर खपरेल पर मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा मसाला होगा दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, टाइल्स ऊपर नीचे हो जाती है। मसाला ना तो टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। मसाला दोस्तों 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए टाइल्स पर, जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों। बहुत सी बार दोस्तों आपने देखा होगा, मसाला ज़्यादा होने के कारण टाइल ऊपर नीचे हो जाती है सूखने के बाद दोस्तों। तो एक ध्यान रहे दोस्तों, मसाला सही हो और अच्छे से टाइल्स की ठुकाई कर ले, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जहां आपको टाइल्स लगानी है अच्छी तरह लगाए, और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों टाइल्स को लगाते समय एक ध्यान रखें दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइल्स को लगाने के बाद अच्छी तरह ठुकाई करें, और ठुकाई करने के साथ साथ उसे नीचे से भी देखें फंटी लगाकर दोस्तों, के एक लाइन में है या नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ऊपर भी लगाएं, देखें कहीं से फंटी नीचे ऊपर टैल तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरह लगाते रहें, टाइल्स आपकी बिल्कुल सही लगेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइल्स को लगाते समय सीमेंट दोस्तों कहीं को ज़्यादा कहीं को कम हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। टाइल्स के ऊपर नीचे जो है नहीं होनी चाहिए टाइल्स, और मसाला उसका सही आना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, हमने टाइल्स लगा दी हैं दोस्तों, आप भी इसी तरह लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान दें, टाइल्स जब आप लगा दें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों टाइल्स की तराई, जहां आपने टाइल्स लगाई है दोस्तों, उसकी 4 से 6 दिन तराई होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद ही टाइल्स जो है मजबूत होती है और काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों चलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जैसा कि ये टाइल्स लगी हुई है, इनमें मसाला बिल्कुल सही भरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से कहीं से ऊपर नीचे से कोई खाली नहीं रहनी चाहिए दोस्तों टाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अच्छी तरह टाइल्स की ठुकाई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।